मोरिया रे बापा मोरिया रे मोरिया रे बापा मोरिया रे। देश भर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इस बार 2 सितंबर यानी कि सोमवार को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा। हर साल की तरह महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दस दिनों तक चलने वाले गणपति उत्सव की धूम तो खासकर पूरी मुंबई में चलती है, जिसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। गणपति बप्पा के स्वागत के लिए माया नगरी मुंबई पूरी तरह से तैयार है। गणेश पंडालों में मुंबई के लालबाग के राजा की झांकी देखने के लिए हर कोई उत्साहित रहता है, क्योंकि हर बार यहां कुछ हटके देखने को मिलता है। ऐसे में लालबाग के राजा की पहली झलक सामने आई है। हर बार की तरह इस बार भी लालबाग के राजा के पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया है। इस बार खास बात यह है कि गणेश जी की मूर्ति के चारों तरफ एस्ट्रोनॉट, ग्रह और चंद्रयान 2 घूमते नजर आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि झांकी की थीम चंद्रयान 2 पर आधारित है। लालबाग के राजा की ये थीम चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण की खुशी में तैयार की गई है। लालबाग के राजा की मूर्ति सबसे विशालकाय होती है। गणेश चतुर्थी पर लालबाग के राजा की सवारी निकाली जाती है। गणेश उत्सव मनाने के लिए मुंबई के लालबाग के राजा दुनिया भर में मशहूर है। मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों से भी लोग लालबाग के राजा के दर्शन के लिए आते हैं। लालबाग के राजा की एक झलक पाने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में नजर आते हैं। लालबाग के राजा की बड़ी मान्यता है। माना जाता है कि यहां के गणेश प्रतिमा के दर्शन करने मात्र से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माना यह भी जाता है कि लालबाग के राजा के चरण का सिंदूर हर कामना को पूरा करता है, इसलिए भक्त लालबाग के राजा के चरण के सिंदूर को ले जाना चाहते हैं। इस बार 2 सितंबर यानी कि सोमवार को गणेश चतुर्थी है, जिसके बाद अगले 10 दिन गणपति बप्पा की पूजा हो। आपको बता दें कि लालबाग के राजा की स्थापना 10 दिन तक की जाती है। 11वें दिन धूमधाम से मुंबई के गिरगांव चौपाटी में उनका विसर्जन किया जाता है। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोगिन लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लाल गुरु पद को।